वैसे तो यह सच है कि मुसीबत के समय पुलिस हमारी सेवा में तत्पर रहती है, लेकिन क्या हो अगर हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी में तैनात पुलिस ही मुसीबत में पड़ जाए। अपने दिमाग पर जोर मत दीजिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल मामला राज्य के रोहतास जिले का है, जहां करगर थाने की गाड़ी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि करगर थाने की इस गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ता है। आपको यह भी बताते चले कि स्थानीय पुलिस इस गाड़ी को पेट्रोलिंग करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब आप ही सोचिए कि अगर कभी पुलिस को कोई अपराधी या फिर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ना हो या उसका पीछा करना हो, तो इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले गाड़ी को कुछ दूर तक धक्का लगाना होगा, तब गाड़ी स्टार्ट होगी, तब जाकर कहीं पुलिस एक्शन लेगी। वैसे मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां सरकार सूबे की पुलिस को हाईटेक और मॉडर्न बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर रोहतास जिले के करगर थाने की पुलिस अभी भी धक्का मारकर गाड़ी स्टार्ट करने में लगी हुई है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब पुलिस का वाहन ही सही नहीं रहेगा तो अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे। और जहां राज्य सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए संसाधन देने की बात कहती है, तो वहीं करगर थाने की गाड़ी 15 साल पुरानी है। जब इस मामले में नेशन न्यूज ने थाने के ASI से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से गाड़ी को गश्ती पर जाने के पहले धक्का मारना पड़ता है, इसके बाद जहां गाड़ी रुकती है फिर अपना काम निपटाकर गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है, तब जाकर यह गाड़ी चालू होती है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आधुनिक हथियारों और संसाधनों के जरिए राज्य की पुलिस को मॉडर्न और हाईटेक बनाने का दावा करने वाली राज्य सरकार और पुलिसिया विभाग रोहतास जिले के करगर थाने की पेट्रोलिंग वैन को कब तक दुरुस्त करवाती है, या फिर ऐसे ही चलेगा जैसे कि अब तक चलता आया है।